हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर सी एस सी अकेडमी यूट्यूब चैनल आज के इस लेक्चर में हम रिलेशन टॉपिक पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने रिलेशन के कंसेप्ट को देखे थे और उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिलेशन के कंसेप्ट को भी स्टडी किए थे मेरा सजेशन है अगर आपने इसके प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन गिवन रहेगा शो दैट हमें यहाँ पे शो करना है शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए रिलेशन आर एक सेट ए पे डिफाइंड है और ये क्या होना चाहिए इक्वी वायलेंस रिलेशन होना चाहिए अब आपको पता होगा इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है और रिलेशन भी गिवन रहेगा तो देखिए यहाँ पे ये रिलेशन गिवन है ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी बाई इम्प्लीकेशन ए इज इक्वल टू सी तो इस तरीके का रिलेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगा यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है ए बी सी डी यहाँ पे कोई इक्वेशन हो सकता है ए बी और बी सी हो सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो स्टेटमेंट गिवन रहेगा उसको लेना है सबसे पहले गिवन रिलेशन आपको लिख देना है जो रिलेशन गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी बाई इंप्लीकेशन ए इज इक्वल टू सी ये रिलेशन गिवेन है हमें प्रूव करना है यहां पर टू प्रूव इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे टू प्रूव आर इज एन इक्वी वैलेंट आर इज एन इक्वी वैलेंट रिलेशन इक्वी वैलेंस सॉरी आर इज एन इक्वी वैलेंस रिलेशन नेक्स्ट वी प्रूव दैट वी प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिफ्लेक्सिव कॉमा सीमिट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव इस तरीके से आपको लिखना है सबसे पहले सबसे पहले जो रिलेशन गिवेंट रहेगा उसको लिखना है अब मुझे प्रूव करना है इक्वी बैलेंस इसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव सीमिट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव वी प्रूव दैट दे ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी सेम एलिमेंट होना चाहिए अगर ये x है तो इधर भी क्या होना चाहिए x होना चाहिए हमारे पास में जो सेट है a, कॉमा बी तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए a, कॉमा बी सेम एलिमेंट होना चाहिए इसको हमें प्रूव करना है तो हम इस स्टेटमेंट इस रिलेशन का यूज़ करेंगे और लिखेंगे सिंस इसका डेफिनेशन है a, कॉमा बी रिलेशन c, कॉमा डी बाय इम्प्लिकेशन a इज़ इक्वल टू सी ये हमारा डेफिनेशन है तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देर फॉर ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी लिखता हूँ यहाँ पे ए कॉमा बी देखिए इस रिलेशन में ये जो ए बी है उसका ए वाला एलिमेंट इधर लिया गया और सेकेंड वाले ऑर्डर्ड पेयर में से फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया गया मीन्स ए और सी ये इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए इस रिलेशन में ए लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ से फर्स्ट वाला एलिमेंट लेना है ए तो देखिए क्या ये कंडीशन ये इक्वेशन ट्रू है आपको आइडेंटिफाई करना है अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इस तरीके का रिलेशन लिख सकते हैं तो आपको पता है ए इज इक्वल टू ए कोई भी एलिमेंट इट सेल्फ क्या होता है इक्वल अगर मैं इधर टू लेता हूँ इधर टू तो ये क्या रहेगा इक्वल तो इस तरीके से जब ये इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी इस तरीके से रिफ्लेक्सिव जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देर फॉर आर इज रिफ्लेक्सिव आर इज रिफ्लेक्सिव सेम हमको प्रूव करना था ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी हमने क्या किया रिलेशन का डेफिनेशन यूज़ किया और मैंने यहाँ पे सी डी के प्लेस पे ए बी पुट कर दिया और जब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा तो ए और ए लेफ्ट और राइट right ये ट्रिबली ट्रू है तो हम ये कह सकते हैं कि आर क्या है रिफ्लेक्सिव देखिए नेक्स्ट अब हमें सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूव करना है आप सभी को पता होगा अगर कोई रिलेशन में रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आता है ए रिलेशन बी तो हमें बी रिलेशन ए प्रूव करना है जस्ट उसको रिवर्स कर देना है तो देखिए हमें प्रूव करना है यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे वी प्रूव वी प्रूव ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी ये गिवन रहेगा इसको हमें प्रूव करना है इसको हम प्रूव करेंगे सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर को हम चेंज कर देंगे ए बी सी डी है तो सी डी और ए बी होना चाहिए इसको हमें प्रूव करना है सिंस मेरे पास रिलेशन गिवेन है ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी डिफाइंड एज बाय इम्प्लीकेशन ए इज इक्वल टू सी ये गिवन है अब मुझे बस ये प्रूव करना है सी डी रिलेशन ए बी मुझे प्रूव करना है अगर आपके पास रिलेशन है तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो a इज इक्वल टू सी और अगर आपके पास में इस तरीके का इक्वेशन है तो आप रिलेशन लिख सकते हैं बस हमें यहाँ पे प्रूव करना है इसका रिवर्स ए बी रिलेशन सी डी तो सी डी रिलेशन ए बी हमको प्रूव करना है तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या मैं a इज इक्वल टू सी को c इज इक्वल टू ए लिख सकता हूँ यस yes, लिख सकते हो आप टू इज इक्वल टू दो वैल्यू है यहाँ पे ए और बी तो बी और ए भी लिख सकते हो ए इज इक्वल टू सी है तो हम सी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं अब इस इक्वेशन से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा टेक्निक इसके लिए रिलेशन सी तो सी कहाँ पे प्रेजेंट है इस रिलेशन को लिखेंगे सी कॉमा डी रिलेशन ए देखिए यहाँ पे ए के लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे ए कॉमा बी ये हमने प्रूव कर दिया हमें क्या प्रूव करना था ए बी यहां ए बी रिलेशन सी डी तो हमें प्रूव करना था सी डी रिलेशन ए बी तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है हमने स्टार्ट किया इसे और हमने प्रूव कर दिया सी डी तो यहाँ पे हम लिखेंगे देर फॉर आर इज सीमेट्रिक क्या है सिमेट्रिक रिलेशन इस तरीके से आपको प्रूव करना है अब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे तो देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे वी प्रूव दैट वी प्रूव ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी रिलेशन कोई यहां पे न्यू रिलेशन आपको लिखना है ई कॉमा एफ देन देन ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा एफ ये हमें प्रूव करना है जैसे मैंने आपको बताया था ए बी रिलेशन है बी एंड सी रिलेशन है तो ए सी रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए तो मैंने यहां पे रिलेशन ले लिया ए बी रिलेशन सी डी एक नया रिलेशन कंसीडर करेंगे जो सी से स्टार्ट होगा सी रिलेशन ई एफ तो ये सी कॉमन हो जाएगा न्यू रिलेशन हमको मिलना चाहिए ई एफ तो देखिए यहाँ पे सिंस रिलेशन के डेफिनेशन को यूज़ करेंगे रिलेशन कौन सा गिवन है यहाँ पे ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी ये रिलेशन है इसका डेफिनेशन है ए इज इक्वल टू सी सेकेंड रिलेशन हम यहाँ पे लिखेंगे एंड C, D, डी रिलेशन E कॉमा एफ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस रिलेशन को आप इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे C is equal to E. ये हमने ले लिया तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास में है A, A is equal to C, C is equal to E. तो therefore हम ये लिख सकते हैं A is equal to C. अगर A, C के इक्वल है C, E के इक्वल है तो हमें क्या लिखना है ए इज इक्वल टू ई और ए इज इक्वल टू ई को अगर हम रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा फर्स्ट एलिमेंट को लेना देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया देर फॉर आर इज ट्रांजिटिव लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे Therefore, R is an equivalence relation. Hence, proved. इस तरीके से आपको प्रूव करना है सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है जो रिलेशन गिवन रहेगा उसी रिलेशन के डेफिनेशन को यूज़ करना है और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जैसा रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी सेम एलिमेंट होना चाहिए एक्स रिलेशन एक्स होना चाहिए के, के केस में अगर एक्स वाई रिलेशन है तो हमें वाई एक्स प्रूव करना है और ट्रांजिटिव में एक्स वाई वाई जेड देन आपको एक्स जेड रिलेशन को प्रूव करना है इस तरीके का सिंपल सा आपको अप्रोच फॉलो करना है और किसी भी प्रॉब्लम को इसी तरीके से आप उसको प्रूव करोगी इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अपने बाकी फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग